सड़कदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। पुराने प्रधान सतवीर का तो चुनाव प्रचार शुरू हो लिया है। बड़े बड़े रंगीन पोस्टर सबके दरवाजों पर चिपक रहे, लगता रात में चेप दी है। अरे तो उससे क्या हो है दद्दू, यहाँ कौन पढ़ सके है उसके पोस्टर? वो ना भी पढ़ सके है तो भी फोटो तो रंगीन छपा है ना। वैसे उसमें लिखा क्या था? अरे उसमें लिखा क्या था इससे हमें क्या मतलब, लेकिन इसका फर्क चुनाव पर पड़ता है। अरे हमारे गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं और उनके बच्चे भी पढ़कर अपने घरों में जरूर बताते होंगे। इसका तोड़ के उसके हम उससे भी बढ़िया पोस्टर छपवाएंगे। अरे पर लिखवाएंगे के, हम तो वैसे भी इसके खिलाफ है। क्यों? एक खिलाफत विलाफत छोड़ो, पर चुनाव का जंजाल तो गले पड़ी गया ना। ये पढ़ाई तो सुसरी जान की आफत होली। अरे दद्दू लेकिन हम में से तो कोई पोस्टर भी नहीं लिख सकता। अरे तो किसी से लिखवा लेंगे। अरे ऐसा आदमी मत पकड़ लेना भैया जो कुछ का कुछ लिख दे। हाँ ऐसा कैसे हो सके? ऐसा हो सकता है, ये गजेंद्र ठीक कह रहा है। अरे मेरे चुनाव में जो पोस्टर छपना था ना उसका पर्चा जब भेजा गया तो उस पर्चे की जगह वो वैद्य का पर्चा पहुंच गया। और जब पोस्टर बन के आया तो मेरे फोटो के नीचे हकीम नौरंगी लाल मिर्गी तोड़ने के माहिर छप गया। तो आपकी दुकानदारी काफी चल गई होगी राजवीर जी। हाँ सुबह सुबह ही 3-4 मरीज हो लिए, लेकिन चुनाव का नाम सुनते ही फुर। पर बिंदु के पोस्टर के साथ ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र भैया ध्यान रखेगा कौन? चिंता ना करें, मैं पोस्टमास्टर से लिखवा लूंगा, थोड़ी हंसी तो उड़ेगी, बाकी हंसी उड़ाने वाला है कौन यहाँ काम में। एक काम करो बिंदु को लेकर शहर चले जाओ और बड़े बड़े रंगीन पोस्टर छिपा लो बढ़िया से। अरे लेकिन दद्दू बिंदु है कहाँ? लो बारात यहाँ है और दूल्हा गायब। अरे तो फेरे के टाइम आ जाएगा, ले जाओ इन्हें फोटो खिंचवाओ। तो ठीक है कल ही बजरंग बली का नाम लेके ये सब कर डालो। हाँ बोल बजरंग बली की जय। अरे जोर से हाथ मार गजेंद्र। ओ मास्टर ने जब से इस गांव में आई है मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। क्यों गजेंद्र? हाँ भैया इस बात से कौन इनकार करे है। और वैसे भी हम इतने कमजोर ना हुए कि वो मास्टर नहीं हमें डराती धमकाती फिरे। यो बात तो मैं भी कहे हूँ कि हमारे घर में ऐसी कौन सी गरीबी आ गई या कमजोरी आ गई कि हम स्कूल पढ़ने जाएं। तो मुझे तो लागे है भैया कि इस मास्टरनी के कोई जिन चिपके है, वरना वो हमारे पहलवानों से यूं टकराती थोड़ी। मैं तो कहता हूँ कि उसके पीछे तांत्रिक बाबा को लगा दो, वो भी तो रीसा लागे है। घास में काम करते करते तेरा दिमाग में भी भूसा भर गया गजेंद्र। मैंने तो सुना है उस मास्टरनी के पंजे दिल्ली तक फैले हैं। तो दिल्ली में कौन से 15-15 फुट के आदमी औरत रहे हैं? अब मैं कल राम भरोसे के घर गया था, नू बता रहा था कि वहां तो सारे आदमी बीमार से लाग गए, धुआं ही धुआं भरे वहां। राम भरोसे दिल्ली गया था? हाँ जी। क्यों? उसका भांजे रहे ना वहां, पुलिस में हवलदार है। ओ फिर तो हो गया काम, अब कोई पुलिस का टंटा हो गया तो वो संभाल लेगा। क्यों? और राम भरोसे नू भी बता रहा था कि उसकी ड्यूटी 26 जनवरी परेड में लाग गए, कोई मामूली आदमी ना है वो। अरे इस बात की नौबत ही क्यों आए, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, उसे बुलाइए और समझा दीजिए कि हमारे यहाँ ये सब ना करें। हाँ अगर कोई ऐसे ही पढ़ना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है मन्ने ऐतराज है, तने नहीं पता यो महामारी है महामारी, गांव में किसी एक ने लग गई ना तो सबने लग जाएगी। हा? और इससे भी खतरनाक बात तो नू है भैया कि जब हम काम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो घर का वापिस आएंगे है?
अरे हमारी तो खेती डूब जाएगी। अब मेरी भैंसों का क्या होएगा? और अगर पहलवानी भी छोड़ दी तो हमारी तो पूरी पुश्तों की इज्जत पर धब्बा लग जा रहा है। सही कह रहे हो, जब तक खेती है तभी तक सब ठीक है। ये किताब पढ़ के कोई पागल हो गया तो क्या होगा? और इस उम्र में हम पढ़ाएंगे, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे महाराज मजाक ना उड़ाएंगे। बिल्कुल है? अरे इसी पढ़ाई की खातिर तो मेरी भाभी की आंखें जाती जाती रही। क्यों भाभी? हाँ, गजेंद्र ठीक कह रहा है। जब मैं 15-16 साल की थी तब मेरे मौसा जी ने मुझे स्कूल भेज दिया था। उस साल मैं 3री में गई होंगी। तब एक दिन गांव के मोड़ पर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। उस दिन सवेरे सवेरे मैंने नए कपड़े पहने थे। अरे बेटा, इसके मुंह पर पानी के छींटे तो मार। अरे माया, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? कोई थकी हुई सी लग रही है। पता नहीं, आती आती आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा गया है। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि इसको कोई ऊपरी हवा है। बेटा, मेरी मां तो वो लंगड़े बाबा है ना, उनकी मजार पर ले चले से। पिताजी को तो आने दीजिए। अरे बेटा, हम कोई क्या पराए हैं? देख बेटा, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो क्या इतनी देर लगाती? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे अभी गांव में बताया कि ये बेहोश पड़ी हुई है। अरे भैया, अब हम क्या बताएं? ये गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ ये लड़की बेहोश पड़ी थी। वो तो केशव वहाँ पहुँच गया तो इसे उठाकर यहाँ ले आया। पर इसको हुआ क्या है? हमें तो लगता है कि इसे कोई बाहर की हवा है। ये स्कूल के ही चक्कर में इस लड़की की गत बिगड़ गई भैया। तो अब मैं क्या करूं? अरे भैया, मेरी मानो तो वो लंगड़े बाबा है ना, उनकी मजार में जाके माथा टिका के आ जाओ। नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अंग्रेजी डॉक्टर के पास इसकी कोई दवा नहीं है, समझे ना भैया? नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, कस्बे वाले डॉक्टर के पास। चलो, तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन हमारी लड़की को ठीक से ले जाना। चल, हम सब संभाल लेंगे। चल बेटा, जाने क्या हो गया लड़की को। बेटे मुंह खोलो, मुंह नहीं बंद करो, आंख दिखाओ, खोलो, घबराओ नहीं, जोर से, इधर देखो। पीछे मुड़ो, बस ओके। क्या नाम है? माया। उम्र क्या है? 14 साल। लगता है बच्ची को विटामिन की कमी है, कमजोर भी है। हाँ, और इसकी आंखें तो बहुत कमजोर है। चश्मा लगवाना पड़ेगा। आंखें तो डॉक्टर साहब इसकी पढ़ाई की वजह से कमजोर हो गई होंगी। नहीं, कैसी बातें करते हो? अब पढ़ाई से आंखें कमजोर नहीं होती, वो तो धूप में काम करने से, धुएं से। हाँ, क्यों बिटिया, तुम चूल्हा फूंकती हो क्या? चूल्हा? वो तो सभी फूंकते हैं, पराया घर जाना है तो चूल्हा चौका तो सीखना ही पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल, सिखाइए, मगर इसको चश्मा तो लगवाना ही पड़ेगा। अरे चश्मा? हाँ, और मैं अगले साल डॉक्टर साहब इसकी शादी है। शादी है, शादी करो, मगर चश्मा लगवाने में क्या हर्ज है? हाँ, मैं ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये आप इसको बाजार से ले आना। और हाँ, मैं कुछ अपने पास से भी दवाई देता हूँ, ये जो है इसको देना सुबह और शाम 4-6 गोली। आप इनकी बहन हैं? बेटे इनको ये गोलियाँ देना, एक सुबह एक शाम। और कल आकर हमको फिर दिखाओ, हम आपके लिए शहर से चश्मा बनवा के ला देंगे, ठीक है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, चश्मा फश्मा छोड़िए, ये सब बेकार की बातें हैं, ये तो सिर्फ पढ़ाई का चक्कर है। नहीं, देखिए चश्मा तो लगवाना ही पड़ेगा, आप नहीं समझ रहे, दुनिया के बड़े बड़े महान लोगों ने चश्मा पहना है, इस बात का इतिहास भी गवाह है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? देखो, मुझे तो पहले ही शक था, वो मास्टर कह रहा था जितने अच्छे नंबर लाएगी उतना इनाम मिलेगा। ले और ले, ये इनाम मिल गया ना, देख लिया डॉक्टर साहब, ये सब जासूसी का तंत्र मंत्र है। नहीं बेटे, तुम जाओ घर पे आराम करो, इसको बेटे तुम दवाई खिलाओ, एक गोली सुबह एक गोली शाम, जाओ। बच्चों से ऐसी बातें नहीं की जाती है।
अरे डॉक्टर साहब चल बेटा अरे हाँ ये लो ये पर्चा। इसके बाद पिताजी ने मन्नत मांगी कि अगर मैं ठीक हो गई तो वो मुझे लंगड़े बाबा की मजार पर लेके जाएंगे। अरे बाप रे, अरे तुम लोगों के चक्कर में तो मैं भूल गया कि मुझे तबेरे भी जाना था। मैं चलता हूँ भाई। जा जा चल भाग। अच्छा भाभी। अच्छा। ए माया थोड़ी लस्सी ले आओ। देख मैं तुझे खिलाऊं, तुझे नहलाऊं और यहाँ तक कि मैं तेरा गोबर भी उठाऊं और तू मुझे सींग मारे है, हैं? और यहाँ तक कि दूध भी ना देती। मरम मैं जानता हूं कि तू मेरी सारी बात समझे। अरे इतने समझदार तो हमारे गांव के बैद जी भी ना है। चल अब अकड़ छोड़। खाले खाले खाले। और जब मैं शाम को बाल्टी लेके आऊं ना तो दूध का पतना ला जा खोल दीजो। ठीक है। अरे सींग मत मारे खा ले। धन्नो खा ले। अरे गजेंद्र ओ गज्जी ओ किते तू? अरे के बात है, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। क्यों बाप के गोले से छोड़ रहा है? अरे चिट्ठी आई है, चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी, शेर भी छाप रखा है। चिट्ठी सरकारी? अरे किस बात की आ गई? डाकिया कह रहा था हमारे लक्ष्मण दादा ने पुलिस ने बुलाया है। ओ तेरी के, इसका मतलब पुराना प्रधान सतबीर अपनी चाल चल लिया। देख तो सही शेर कैसे कैसे मन धमकी दे रहा है। लगता है मन्ने अपने आदमी आज इकट्ठे करना ही पड़ेंगे। लेकिन राजेंद्र भैया ये तुमने चिट्ठी पढ़ी कैसे? चिट्ठी मैंने चंदू से पढ़ाई थी। चंदू से? हाँ। अरे वो तो एक जमात पास है, तेने भाभी से क्यों ना पढ़वाई? पर वो क्या पड़ेगी इसमें, उसने तो पहले ही चश्मा लग रखा है। और पुलिस थाने में औरतों का क्या काम, ये तो हम पहलवानों का काम है, मर्दों का। ये बात भी ठीक है। अरे दद्दू कहाँ है? दद्दू दुकान पे होंगे, मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ। तो अपने आदमी इकट्ठे कर लियो, आज गदर होगा गदर, बहुत होली मजाक। हाँ भैया आज तो फैसला होकर ही रहेगा। फैसला होगा नहीं, फैसला हम करांगे। हम जा रहा हूं तो अपने आदमी इकट्ठे कर लियो। ठीक है। ओ दुखिया दादा कहाँ है? दादा वो रामतार जी के घर गए, उनका लड़का बीमार है। क्यों क्या बात है? जो किसी ने भेज के जल्दी बुला लाओ उन्हें जल्दी। आते ही हुए ना, परेशान है पहलवान के आ जाएंगे ना तो सब ठीक। इसका मतलब नोटिस के बारे में तन्ने भी मालूम है? हाँ, मुझे तो दे गया था डाके नोटिस। तो तूने पूछा ना इसमें क्या लिख रखा? पूछा था, बोला सरकारी बुलावा है, पुलिस लेन में। यू खेल है तो यू खेल भी हम खेल लेंगे। ईव लठ बाजेंगे, लठ घुंगरू बाजेंगे कचहरी में। इतना ताव मत खाओ भैया, पहले पूरी बात का पता तो चल जाने था। रखे हो गया, पुलिस क्यों आ गई? बोलते क्यों नहीं, पुलिस किसको हथकड़ी डाल के ले गई यहाँ से? पहलवान जी सब्र से काम लो, यहाँ पुलिस वुलिस कोई नहीं आई। पुलिस नहीं आई? छोरा तो कह रहा है, तू कह रहा है पुलिस आई है। पुलिस ना, पुलिस की चिट्ठी आई थी। तो चिट्ठी भी क्यों आई? हमने ऐसा कौन सा जुलम कर दिया? दादा मने लगे हमारे खिलाफ भी नेता प्रधान का यो षड्यंत्र है। तो उसके षड्यंत्र का मैं ऐसा मंत्र बना दूंगा कि गली गली लठ बाजेगा, लठ धूल उड़ाएगी धूल। गजेंद्र कहाँ है? गजेंद्र पहलवान इकट्ठे करने गया दादा। बहुत बढ़िया, अब मचेगा गदर। लपरचा दिखा। पर तुम इसमें के देखोगे, इसमें कुछ ना समझ आता। ला इतना बड़ा हो गया, तेरे कागज समझ में नहीं आता। ये देख, ये है पर्चे में, देख के। यो शेर का के मतलब है दादा? अरे शेर हो के शेर का मतलब नहीं समझता। शेर दिखा रहा है, मैं शेर डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं शेर हूँ। अरे तो हम भी सब शेर है। अब कदर मचेगा, जरूर पुराने प्रधान की साजिश है। अब तो डंडा उठाना ही पड़ेगा। चलो राजेंद्र। चलो दादा। अब
पुलिस की इतनी मत बिंदु आ गया। अरे दादा क्या बात हो गई, सुनो यहाँ के घर पर लोगों ने दावा बोल दिया। दावा नहीं रे, जंग छिड़की है जंग, पुलिस ने बुलाया है या देख धमकी वाला शेर भी छाप रखा है। अब दादा पुलिस मिल जाए या चाहे जो मिल जाए, अब तो ये नाक की बात रही, चुनाव तो जीतेंगे हम ही। रही पुलिस की बात, देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है पुलिस हमसे। मन्ने तो लगे सतबीर चौधरी पुलिस से मिल गया है। अरे वो मिलने थे, ये तो शेर चपा है दादा, ठीक हो? शेर चपा, शेर चपा है। लिखा क्या है पता उसमें? अरे भैया ही लिखा होगा कि मन्ने बंद करेंगे। अरे बिंदु के होते मेरे चाचा पे कोई हाथ गिर गया तो बेकार है मेरा जीना रे, बेकार है मेरा जीना। दादा मैं भी आऊ? अरे नहीं रे, अकेला मत जाइए प्रधान के, मेरे के पीछे आएंगे। नहीं चाहता, मैं कोई और जुगाड़ में जाऊं। रेंदा चल खा रे। अरे चंदू, अरे चंदू, अरे और पहलवान कहाँ है? चले गए? कहाँ चले गए? घर चले गए? अरे जा, सबने बुला के ला, कहियो गजेंद्र भैया ने बुलाया। चलो चाचा, की बात हो गई, इतने घबराए क्यों लग रहे हो? अरे घबराने की बात हो सके है चंदू, पहले तू नू बता कि तेरे ऐसे कितने यार दोस्त हैं जो पहलवानी करे हैं? होंगे 8-10। 8-10? जा सबने बुला ला। पर वो तो कुश्ती लड़ने का है, पता नहीं घर पे हो या ना। अरे तू खड़ा खड़ा बातें ही करता रहेगा के, कुछ काम किया कर। और सुन, जब उनको कह देगा ना तो कह दियो कि घर पर आके मिलने, और तू भी मुझे यहाँ खबर करके जाएगा। चल 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 चल। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई? रगजिंदा भैया, रगजी, अरे कितने आदमी इकट्ठा कर लिए तूने? 8-10 कर लिए भैया। अरे 8-10 से क्या होगा बावले, और आदमी बुला ला। अरे और आदमी बुला लूंगा भैया, पहले नू बताओ कि दद्दू को पता चल गया के? अरे दद्दू ने भी पता चल गया रे बावले। है तो क्या बोले? अरे बोलेंगे के दद्दू तो बम के गोले की तरह भड़क गए थे। अरे भड़कने की वाली तो बात है, एक बात समझ में ना आ रही कि ये पुलिस बीच में कहां से आ ली। अरे ईब जो बीच में आ गया सो बीच में आ गया रे बावले, ये चुनाव का मामला है या कुछ भी आ सके। कुछ भी आ सके वो तो सब ठीक है, लेकिन सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, ये चुनाव भी बीच में आ ली है। ईब तो पहलवानों ने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर हो गया, ईब तो हम चुनाव जीतेंगे जीतेंगे। चुनाव तो जीत जाएंगे भैया, और बिंदु का क्या हुआ? बिंदु को पता लग गया के? अरे बिंदु ने भी पता चल गया रे। तो वो क्या बोला? अरे बोलेगा के वो भी बम के गोले की तरह भड़क गया था। मैं और दद्दू घर जा रहे थे, आंधी की तरह आया, हमारे हाथ से सरकारी चिट्ठी ली और पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो फिर इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है भैया, मैं जो हूँ? अरे अभी तुम्हारा गजेंद्र मरा थोड़ी है। अरे मारे मारे दुश्मन, तो ये बता हमारे घर में क्या क्या पड़ा है? क्या क्या पड़ा है मतलब? मतलब हमारे घर में क्या क्या असला पड़ा है? असला भैया, हमारे घर में तो 2 बंदूकें पड़ी हैं, बल्लम है, और कुछ एक लाठ भी पड़े हैं। अरे सबने इकट्ठा कर ले रे, सबने इकट्ठा कर ले, हमारे घर पुलिस आएगी तो मन्ने से मुकाबला करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अरे भैया मैं तो सोच रहा हूँ कि दद्दू के आने के बाद कुछ सलाह मशवरा किया जाए। अरे दद्दू भी आ जाएगा रे, दद्दू भी आ जाएगा, पर मन्ने बहुत चिंता हो रही, गज्जू बहुत चिंता हो रही। चिंता की तो बात है भैया, अरे पुलिस से मुकाबला करना कोई ऐसी खेलना है रे, खेलना है। सत श्री अकाल जी। राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम। के चाहिए? क्यों भैया यहाँ पर कोई दंगल होने लग रहा है के? दंगल? दंगल मतलब कोई कुश्ती हो रही के? अरे भैया ये क्या कुश्ती लड़ेगा, ये तो खुद मेरी कमर तक आ रहा है। आप लोग कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझने वास्ते महाराज जैसा दिमाग चाहिए पहलवानों का, तेरी समझ में कुछ ना आएगा। मुझे समझने की क्या जरूरत है, मुझे तो सिर्फ आप इतना बता दो कि DIOS साहब इस गांव में कहाँ ठहरे हुए हैं। क्या साहब? अरे इस गांव में हमसे बड़ा साहब कौन है? क्यों भैया? हाँ सही कह रहा है, और सबसे बड़ा साहब है हमारा दद्दू। दद्दू? पहलवान जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। रे गज्जू रे, अरे सरकार फिर आ गई रे, ये सरकार हमारे पीछे क्यों पड़ी है? तुम्हारे पीछे? अरे तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, मैं तो यहाँ साहब को पढ़ाई की योजना के जरूरी कागजात देने आया हूँ। मुझे तो आप सिर्फ ये बता दो कि स्कूल कहाँ पर है। अरे भैया ये भी पढ़ाई और स्कूल के बारे में बात कर रहा है। अरे पढ़ाई की बात ना कर रहा है, ये भी जासूस है जासूस। अरे बागले यहाँ से, अरे बागले बागले। अरे गज्जू लगाएंगे धोबी पाट। हाँ धोबी पाट? अरे पहलवान जी क्या करो, पहलवान जी क्या करो, पहलवान जी।
बैठ जा। अरे भैया ये जासूस पता नहीं और क्या गुल खिलाएगा। अरे क्या गुल खिलाएगा रे, तू चिंता ना कर, तू अपनी तैयारी कर रहे गज्जू। भैया हम एक काम करें। मैं सोच रहा हूँ भैया कि कुछ लोगों के हाथ में बल्लम दे देंगे और कुछ लोगों के हाथ में लठ, मैं और बिंदु बंदूक रख लेंगे। अरे पावड़े, बंदूक की जरूरत ना पड़ेगी रे, बंदूक की जरूरत ना पड़ेगी। ऐसा करेंगे दद्दू और घर की औरतों ने छप्पे चढ़ा देंगे और उनके हाथ में पत्थर दे देंगे। ठीक है, जो भी सामने आएगा पत्थर मार मार के भगा देंगे। ठीक है। लेकिन भैया अभी तक चंदू भी तो ना आया। अरे चंदू भी आ जाएगा रे। चल परे घर चलते हैं, तैयारी कर लेते हैं पहले। चल चलो। ये तो बहुत गलत बात होली। अरे आज सरकारी नोटिस आया, कल को फौज आ जाएगी। अरे ऐसे तो गांव के बच्चे हमें पत्थर मारेंगे, पत्थर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गजेंद्र, ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि ऐसा हो पूरे गांव ने खत्म कर दूंगा। अरे भैया मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मैं अपना लाठ उठा ही लूं बस। अरे नहीं गजेंद्र, बैठ इधर, बैठ बैठ के सोचते हैं करना के। अरे सुन गजेंद्र। हां जी भैया। घर के पूरे लठ इकट्ठे कर ले, पूरे हथियार निकाल ले। आज पूरे गांव में हंगामा करेंगे, हंगामा। बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। क्या हो गया, क्यों लठ इकट्ठे करने की बात कर रहे हो, कोई मुझे भी बताएगा। तूने कितनी बार बोला है मर्दों के बीच में मत बोला कर। बिंदु आया कि नहीं आया? बिंदु तो नहीं आया, पर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे बावली पहलवान घबराते ना, मैंने तो गुस्सा आया, गुस्सा। हाँ तूने कितनी बार बोला है हमारे बीच मत बोला कर, चुप रहा कर। क्यों चुप रहूं? घर में न जाने कौन सी मुसीबत आई है और तुम कहते हो कि मैं चुप रहूं? गजेंद्र तुझे तो मालूम है ये मुझे नहीं बताएंगे, तुझे मेरी कसम तू मुझे बता दे। देख भाभी ऐसे कसमें मत दिया कर, वो सरकारी चिट्ठी आई है। गजेंद्र सरकारी चिट्ठी कहाँ से? पुलिस से आई है भाभी। पुलिस? मैं ना कहती थी तुम लोग बात बात पर गुस्सा करते थे, जरूर किसी से झगड़ा किया होगा। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में। आज तक तो किसी की हिम्मत ना हुई हमारे से झगड़ा करे। देख भाभी तू ऐसे मत रोए, ऐसे बिल्कुल मत रोए। हमने ऐसी वैसी कोई बात ना की है भाभी, और ऐसा वैसा कोई काम भी ना किया है कि जिससे हमारे घर में पुलिस आए। इधर देख, मेरी तरफ देख भाभी, तुझे मुझ पर विश्वास ना है, अपने देवर पर विश्वास ना है, ऐसी कोई बात ना हुई भाभी, तू चिंता मत करे। अच्छा ये बताओ वो चिट्ठी है कहाँ? चिट्ठी बिंदु के पास है। अच्छा क्या लिखा था उसमें? पता नहीं, दुखिया ने डाकिया से पढ़वाया था। जब तुम लोग को ये नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा था तो कैसे कह रहे हो कि पुलिस से आई थी? दुखिया ने बताया था। देखिए आपको मालूम है मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती हूँ, तुम मुझसे क्यों ना पढ़वा ली? यो तारीख गिटर पिटर वाली किताब ना है जो तू पढ़ेगी। चल अपना काम कर अंदर जाके। देख लिया यही होता है पढ़ने ना लिखने का नतीजा। अरे जा अपना काम कर। गजेंद्र अपने हथियार तैयार कर ले और आज अपने आदमी अपने गांव में बिछा दे। बिल्कुल बिछाएंगे भैया। एक बात बता, तो भैंसों के चक्कर में कहीं लठ चलाना तो नहीं भूल गया? ना भैया ना, पहलवानी खून है पहलवानी। हाँ कदर ढक जाएंगे। सही कह रहे हो। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छह, दो चौको दो पंजे दस, दो छंग बारह, दो सत्ते चौदह, दो अठे सोलह, दो नम अठारह, दो धम बीस। अब ऐसा करते हैं हम लोग हिंदी के अक्षर माला पढ़ते हैं, ठीक है? छोटे आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी से ईल, बड़ी से ईल, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे उल्लू, री से री, ऐसे ऐसे, ऐसे ओसे। अरे शकुंतला जी गड़बड़ हो गई। बिंदु तुम क्या हुआ, इतने परेशान से क्यों? परेशान तो बहुत ज्यादा हूँ मैं, क्या बताऊँ, बवाल हो गया घर में। अरे क्या हुआ? हुआ यूँ कि वो पुराना प्रधान है ना, उसने पुलिस से मिलकर एक साजिश रची है हमारे बड़े भाई साहब के खिलाफ। नोटिस आया पुलिस से हमको और कल दफ्तर में बुलाया है पुलिस ने। क्या कोई झगड़ा हुआ है? बावली हम झगड़ा करते हैं क्या? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, वो तो चुनाव में खड़ा हुआ ना, बस इसलिए बवाल है गाँव में। वो कागज कहाँ है? ये रहा कागज, कागज नहीं चिट्ठी आई है पूरी लिफाफे में बंद, ये रही चिट्ठी। बेटा जरा चुप हो जाओ शांति से।
अरे बावली, इसमें हंसने की कौन सी बात है? के हंस रही है तो हमारे ऊपर हैं? अरे एक एक ने पसार देंगे गांव की सड़क पर, हम देख ली सारे भाई मिलके, कम नहीं है हम। पता है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है तू बताएगी ना? अरे तुम्हारे भाई साहब अपने समय में बहुत बड़े पहलवान होंगे। हाँ शकुंतला वो तो थे। तो उन्हें खेल विकास कमेटी का सदस्य चुना गया है, इस वजह से DIG साहब ने उन्हें घर बुलाया है सहमति देने। सहमति मतलब मंजूरी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ए शकुंतला तू ठीक कह रही है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पता है बिना पढ़े लिखे लोग कितनी गलतियाँ कर देते हैं। अच्छा तुम ये खुशखबरी सबको जाकर दो। सबको घर में जाके? हाँ घर में जाके। ए तेरी बात पे भरोसा मैं ही कर सकूँ, घर में नहीं करेगा कोई भी। अच्छा तो ऐसा करती हूँ मैं वहाँ आ जाती हूँ। हाँ घर में? हाँ वैसे भी मुझे घर आना है। मगर छोड़ो, तुम घर जाओ, पहलवान लोग हैं पता नहीं कुछ और बखेड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है बावली, पहलवान लोग हैं। ताल ठोक के मूछ बैठ के अक्कण पाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तैयारी है पर कहीं तो कुछ है खटका, विद्यादान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका। मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पे चुअर उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।